जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल में स्टैंड मशीन दैया दिल्ली दरबार के अंदर। मैं आपका अपना विकास दैया। आज की जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो बिल्कुल डिफरेंट है और एक अलग टॉपिक के ऊपर आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो आज भाई जी जो भैरव वो बाबा है, बावन भैरव और वैष्णो देवी में जो भैरव पूजे जाते हैं और जो शिव अवतारी भैरव है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है क्या नहीं। लोग बाबा को कन्फ्यूजन है कि जो अपने दिल्ली में भैरव बाबा बैठे हुए हैं और वैष्णो देवी में जो भैरव है वो एक ही है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये दोनों अलग है। जानकारी भी वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करने की। छोटी छोटी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अब हमने लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी बात हो, आप हमसे लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ सकते हो। आपके घर की कोई भी समस्या हो, भूत प्रेत आदि जिंदादी की कोई भी समस्या हो, गुरु धारण हो, कोई भी दिक्कत हो आपको, आप हमसे बेफिक्र होकर लाइव स्ट्रीमिंग में पूछ सकते हो। तो लेट ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका अपना विकास दिया दिल्ली दरबार से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को मजा लो। आज की जो जानकारी है भाई वो बिल्कुल डिफरेंट है। भैरव बाबा काल भैरव बाबा में और वैष्णो देवी जो भैरव बाबा है, उन दोनों में क्या डिफरेंट है क्या नहीं, आज इसी टॉपिक पे मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। आज कुछ मेरी जो वीडियो हो आपको बुरी लग सकती है, क्योंकि कई धर्म के ठेकेदार जो बने बैठे हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो दोनों भैरव को एक ही मानते हैं। तो आज इन दोनों जो भैरव बाबा है इनका डिफरेंट मैं आपके सामने क्लियर करने आया हूँ और वीडियो लास्ट तक देखना, की एक जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले बात करते, जब माता पार्वती सती हुई थी, जब उनके कृष्ण जी ने दर्शन चक्कर से 52 शीश के टुकड़े किए थे अलग अलग, तो अलग अलग पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह जाके गिरे थे। तो वहाँ पे जब राक्षस लोग उनके शीश को उठाने के लिए आया था कि जो हमारा अभी क्या चल रहा है टाइम, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, जितने भी हमारे काल होते हैं और हमारा कलयुग, तो कलयुग में जो ये पूजे जाने वाले हमारे ये थे स्थान, तो इन पे एक एक भैरव बाबा अपने यहाँ पे उत्पन्न हुए थे। इनका कोई जन्म नहीं हुआ था। उत्पन्न का मतलब ये अमर थे। आज भी आपने सुना होगा कई स्टोरी में कि भैरव बाबा अमर है, ये इनको अमरता का वरदान है। आज भी कई जगह पूजे जाते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी और जागूत प्रेतों का इलाज होता है। और जो वैष्णो देवी जो भैरव बाबा थे उनका कुवत खुद माँ ने पार्वती ने पार्वती करा माँ शेरा वाली वैष्णो माँ ने किया था। तो त्रिकुट पर्वत पर स्थापित है वह, जम्मू के स्थान के अंदर, जम्मू शहर के अंदर त्रिकुट पर्वत के ऊपर माँ वैष्णो देवी का विराजमान है। वहीं पर माँ वैष्णो देवी ने भैरव बाबा का वध किया था। जो भैरव बाबा थे, जो वैष्णो देवी में पूजे जाते थे, वो माँ से शादी करने के लिए माँ के पीछे लगे थे। वो एक राक्षस कुल से ताल्लुक रखते थे, उनके पास शक्तियाँ नहीं थी। राक्षस कुल से ताल्लुक रखते थे, उनके पास शक्तियाँ नहीं थी। उन्होंने जन्म लिया था माँ की कोख से ही जन्म लिया था राक्षस कुल में। तो जैसे जैसे बड़े हुए तो सुंदरता के प्रति, नारियों के प्रति उनका स्वभाव था, नार जो आपने देखे राक्षस लोग होते ही है कि जो भी रानी देखी, सुत्री नारी देखी, सुत्री लड़की देखी, आप किसी के पीछे वो भाग लेते, ऐसे माँ के पीछे वो भाग गया उनके से शादी करने के लिए। माँ बाल ब्रह्मचारी थी, श्री राम जी के उसमें वेट में थे। इनकी स्टोरी आपने देखी होगी। प्रभु श्री राम जी से शादी करना चाहती थी माँ वैष्णो देवी, पर श्री राम प्रभु जी ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं कलयुग में जब जन्म लूंगा, जब आपसे मैं शादी करूंगा, जो अभी कलयुग में जन्म होगा, जहाँ वहाँ से माँ वैष्णो देवी खुद अमर है, माँ वैष्णो देवी वहाँ से आप एक पत्थर जिसको हम तीन पत्थरों के अलग अलग देखते हैं, उनमें से एक पत्थर माँ वैष्णो देवी का पत्थर में स्थापित हो गई थी, एक पत्थर के रूप में वहाँ पे बदल गई थी। कुछ शब्द ऐसे है भाई जो डिफिकल्ट है, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, पर आप फीलिंग समझो। तो वहाँ पे पत्थर में बदल गई थी, पत्थर में चेंज हो गए थे। तो वहाँ पे अभी क्या है कि जब वो भैरव बाबा थे जो उनका वध किया था, उनकी शीश तो जो भैरव बोटी जो आपके ऊपर जाते हो कि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए आपको वैष्णो देवी की यात्रा नहीं लगती, तो वो वहीं के भैरव बाबा है ना, कि आप दिल्ली में आके भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हो। वो नहीं, उनका नाम भी भैरव था। वो नाम क्यों था, आज आप देखते हो आपके गाँव में हो, आपके शहर में हो, कि आपके नाम का, जैसे मेरा नाम विकास, विकास नाम के 70 आदमी मिल जाएंगे। उस समय उस जो राक्षस था, उस राक्षस का नाम भी भैरव था। वो भैरव जी नाथ के थे, वो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। उन्होंने जितने भी एक ज्ञान लिया था अपने प्रति, जो आप देखते हो अपने टीवी सीरियल भी देखे होंगे, सारी चीज देखी, उनके पास शक्ति आई थी। वो पहले उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी, जो उनको शक्तियाँ प्रदान की गई थी वो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा दी गई थी। कई लोगों को मैं भजन भी सुनता हूँ, उनमें कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी के चेले भैरव बाबा। तो जो वो भैरव बाबा थे, गुरु गोरखनाथ थे, वो राक्षस कुल से थे। और जो ये भैरव बाबा है जो शक्तिपीठ के साथ साथ थे, ये आज भी है वहीं पे अपने अपने शक्तिपीठ। अच्छा, 52 भैरव कहा जाता है, 52 भैरव के आप नाम देखिए, किसी भी 52 भैरव के नाम में आप गूगल कर लीजिए, कहीं भी देख लिया, माँ वैष्णो देवी किताब देख ली, उनमें इनकी अलग स्टोरी है भैरव बाबा कौन थे कौन नहीं। जो आपके भैरव बाबा थे 52 नाम थे, उन 52 भैरव में माँ वैष्णो वाले भैरव बाबा का नाम नहीं आता, कहीं भी नहीं आता, क्योंकि वो भैरव बाबा अलग थे और जिनकी आप पूजा करते हैं ये अलग थे। हर शक्तिपीठ के साथ एक अलग भैरव बाबा थे, अलग भैरव बाबा का रूप था। जैसे माँ काली के साथ भैरव बाबा चलते हैं तो आप मानते होंगे कि वैष्णो देवी जो भैरव बाबा थे वो साथ में चलते, नहीं, वो माँ के पीछे लगा था, ये माँ के बेटे थे। ये एक शक्तिपीठ स्थान के लिए, वहाँ के उनकी रक्षा के लिए वहाँ पे शिव अवतारी जो भैरव बाबा कहा जाते हैं, इनकी रक्षा के लिए वहाँ पे आए थे। अब आप कहोगे कि भाई भैरव बाबा की दोहा, कई जगह भैरव बाबा को माँ का बेटा भी कहा जाता है और कई जगह
अर्दानगी भी कही जाती है, जैसे माँ काली की अर्दानी कौन थी, खुद काल भैरव थे। हम शिव जी की अर्दानी जाकर शिव जी का रूप देखा जाए तो वहाँ पे शिव जी की पत्नी जो थी वो थी भाई आपकी माँ पार्वती, और काल भैरव जी की जो पत्नी थी वो थी माँ काली। तो आप एक तरीके से कहो बेटा, और उसमें डिफरेंट हो गया दोनों शब्दों में। और जो वैष्णो देवी में भैरव बाबा वो बेटे के रूप में थे, उन्होंने लास्ट टाइम पे माँ बोला था क्योंकि वो एक राक्षस स्कूल से ताल्लुक रखते थे, एक राक्षस स्कूल में आते थे, और लास्ट में जो माँ की शरण में आए, माँ की शरण में कोई भी जाता तो माँ अपना आशीर्वाद देती है। जो माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तूने लास्ट समय में मुझे माँ कह के पुकारा है, मुझे माँ बोला है, अब जब तक उनको एक वरदान दिया था, मेरी पूजा जब भी सफल मानी जाएगी जब कोई तेरी पूजा करके आगे निकलेगा, बिना मेरी पूजा किए आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। कई लोग क्या करते हैं कि माँ वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ से दर्शन करके आ जाते हैं, बोल बोलते हैं हमारे वहाँ भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ जाके दर्शन कर लेंगे। तो ये चीज़ बता दूँ, जो वैष्णो देवी में भैरव बाबा, जो आप यहाँ के भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो, दोनों अलग है। भैरव बाबा का तो एक ऐसा रूप भी है जहाँ भैरव को दूध चढ़ाया जाता है, दूधिया रूप, दूधिया भैरव, जहाँ भैरव को दूध से नहलाया जाता, दूध से उनका जो भोग वगैरह प्रसाद वगैरह लगता है वो दूध से लगता है। कई जगह भैरव बाबा का रूप ऐसा जहाँ लड्डू चलते हैं, कई जगह भैरव बाबा पे गुलगुले चलते हैं, तो कहीं भैरव बाबा पे दारू भी चलते हैं, कहीं सिगरेट भी चलती है, और कहीं मांसाहारी भी चलते हैं भाई भैरव बाबा, जो आप तामसिक कहते हैं तामसिक पे भी चलते हैं, कहीं खून पे भी चलते हैं। तो हर भैरव बाबा का रूप अलग अलग है, हर स्टोरी अलग अलग है भैरव बाबा के 52 रूपों की, जिसको आप जानने में भी काफ़ी टाइम लग जाए। जो भैरव बाबा की साधना कर रहा है तो वो पहले ये जान ले कि भाई भैरव बाबा हम किस रूप की साधना कर रहे हैं, किस रूप की नहीं कर रहे। शमशान भैरव भी है, तो हर हर रूप का अलग अलग महत्व है, हर रूप अलग अलग जगह कार्य करता है। और जो आपको इन्फॉर्मेशन, मुझे बस यही डाउट आपका क्लियर करना था कि वैष्णो देवी में भैरव बाबा और आप जिन भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो दोनों डिफरेंट है, एक भैरव बाबा नहीं है। जानकारी मेरी पसंद आई हो, इनकी पूरी स्टोरी पूरी खुल के आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो, भैरव बाबा की माँ वैष्णो की स्टोरी भी जान सकते हो, और आप सारी चीज़ों की इसमें डिटेल में आपको मिल जाएगी। खाली मैं यही था कि आप साधना साधक जितने भी हो, साधक ना शुरू कर रहे हैं तो उनको किस किस तरीके से आप कैसे कैसे आप अपने जानकारी ले सकते हो, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और जानकारी मेरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दें। थोड़े आज इसकी चाहिए से रहा हूँ कि आज जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे 3-4 आदमी हैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा देख के बोलना पड़ता सारी चीज़ वो है। तो जानकारी मेरी अच्छी लगी, वीडियो भी लानी जरूरी थी अब तक, बिना वीडियो लाए कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि दिन की वीडियो अपलोड करने का वादा है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा देना। थोड़ी देर में मिलते हैं एक लाइव स्ट्रीमिंग में, 9-10 बजे ही लाइव आऊँगा, उसमें मिलते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।